अगर आप सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहते हैं तो एक नाम से आप जरूर वाकिफ होंगे, वो है रजत दलाल का। रजत दलाल एक फिटनेस इन्फ्लुएंसर है। सोशल मीडिया पर फिटनेस से जुड़े वीडियो और पोस्ट डालकर वो सुर्खियों में रहते हैं। रजत दलाल की एक पहचान और भी है, वो ये है कि उन पर एक 18 साल के लड़के को किडनैप करने और उसके साथ मारपीट करने का आरोप लगा था। रजत को जेल भी भेजा गया था, लेकिन अब एक बार फिर से एक कांड करने की वजह से रजत दलाल सुर्खियों में है। इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक रजत दलाल ने तेज रफ्तार में गाड़ी चलाते हुए एक बाइक वाले को टक्कर मार दी और बिना गाड़ी रोके आगे बढ़ते रहे। ये मामला दिल्ली NCR क्षेत्र का ही है और अब इसका वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है और बात फिर से पुलिस तक पहुंच गई है। सोशल मीडिया पर जो वीडियो वायरल हुआ है उसमें साफ देखा जा सकता है कि एक शख्स गाड़ी चला रहा है, साथ वाली सीट पर एक महिला बैठी है और पिछली वाली सीट से कोई वीडियो रिकॉर्ड कर रहा है। दावा है कि गाड़ी चलाने वाला शख्स कोई और नहीं बल्कि रजत दलाल ही था। गाड़ी चलाते हुए वीडियो रिकॉर्ड हुआ, देखते ही देखते स्पीड 100 के पार गई और फिर 143 तक पहुंच गई। इसी बीच सड़क पर एक बाइक सवार को टक्कर भी लगी। ड्राइविंग सीट के साथ बैठी लड़की ने रजत को कहा कि सर वो गिर गया, ऐसे मत कीजिए, लेकिन रजत दलाल ने जवाब में बड़े कैजुअल तरीके से सिर्फ इतना ही कहा कि वो गिर गया कोई बात नहीं, ये तो रोज का ही है। अब सोशल मीडिया पर इसी बात पर हल्ला मच गया है कि एक व्यक्ति जो जेल से कुछ वक्त पहले ही बाहर आया है वो इस तरह रैश ड्राइविंग कर रहा है और ऊपर से किसी को टक्कर मारने के बाद ये कह रहा है कि ये तो रोज का काम है। लोगों ने सोशल मीडिया पर अपना गुस्सा व्यक्त किया, पुलिस की लापरवाही पर भी सवाल खड़ा किया। जब शोर थोड़ा ज्यादा हुआ तब जाकर फरीदाबाद पुलिस की ओर से कोई प्रतिक्रिया दी गई। पुलिस ने ट्वीट किया कि फरीदाबाद जिला प्रशासन और पुलिस के संज्ञान में एक वीडियो आया है। हालांकि इस मामले में अभी तक कोई आधिकारिक शिकायत दर्ज नहीं की गई है, पर प्रशासन ने इस घटना पर स्वतः संज्ञान लेते हुए कार्रवाई शुरू कर दी है। घटना की जांच जारी है और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। वैसे ही इस मामले में कोई आधिकारिक शिकायत तो नहीं हुई है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि अगर सड़क पर कोई इस तरह किसी को टक्कर मारकर बेखौफ निकल जाए। उम्मीद तो यही है कि पुलिस इस मामले में जल्द और सख्त एक्शन लेगी। लेकिन जब से ये वीडियो सामने आया है उसके बाद रजत दलाल जब निशाने पर आए तो उन्होंने इस पर जवाब भी दिया। रजत दलाल ने अपनी सफाई में इतना ही कहा कि वो वीडियो कब का है, कहाँ का है, ये बहुत पुरानी बात है, मैं काफी बदल चुका हूँ और अपने पास्ट से बाहर निकल रहा हूँ। हालांकि वो यहाँ भी अपनी गलती मानते हुए नहीं भीगे। वैसे अगर रजत दलाल के बारे में कुछ जिक्र करें तो वो एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं। इससे पहले जून 2024 में रजत दलाल को 18 साल के एक लड़के के साथ मारपीट और बदसलूकी करने के मामले में अहमदाबाद की पुलिस ने गिरफ्तार किया था। लेकिन अब जो नया मामला सामने आया है उस पर क्या एक्शन लिया जाता है, इस पर हर किसी की नजरें बनी हुई है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। शुक्रिया।